हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? अच्छे से हो ना? जितने घर पे एंजॉय कर रहे हो ना अच्छे से, और पढ़ाई करना ठीक है? देखो, हम लोग लास्ट क्लास से स्टार्ट किए थे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, उसी का आज एप्लीकेशन से रिकॉल करवा दे रहे हैं आप लोग को। तीन टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। फर्स्ट में क्या होती है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम, कोई भी दो रो या कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। सेकंड में क्या है हमारा, किसी भी रो या कॉलम के जितने भी एलिमेंट है उसको किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या ऐड कर सकते हैं। एंड थर्ड वन क्या होता है, किसी भी रो या कॉलम में जितने भी एलिमेंट होते हैं किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंगली किसी दूसरे किसी अनदर रो या कॉलम में आप ऐड होगा। रो रो टू होगा, कॉलम कॉलम होगा, रो टू कॉलम नहीं होती है। ओके, दो रो डिवाइड नहीं होती है, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता हमारा। मल्टीप्लाई होती है किसी नंबर से, ठीक है, बट दो रो हमारा सब्ट्रैक्ट नहीं होता। देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन का सबसे अच्छा सा यूज क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक मैट्रिक्स ले लिए हैं, तो ये मैट्रिक्स को सबसे फर्स्ट में इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो पता होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स वही रह जाती है। आई टू इसलिए लिया है कि मैट्रिक्स ए की ऑर्डर 2 है, अगर मैट्रिक्स ए की ऑर्डर 3x3 रहती तो ये 3 रहते हैं। अब यहां से आई टू का वैल्यू रखोगे तो ये 3 7 हो गया, आई टू 1 0 0 1 हो गया, इंटू ए हो गया हमारा, ठीक है। तब यहां से हमारा कैसा हो जाएगा, देखो वो जो मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 1 0 0 1 इक्वल टू ये हो जाएगी 7 -3 -2 1 इंटू ए, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ये हमारा फॉर्म ऑफ क्या है, ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और ये इसका नाम बी दे दिए। तो बाय डेफिनेशन बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हमारा मैट्रिक्स ए है, तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू बी, और ये हमारा क्या है 7 -3 -2 1 हो जाती है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स ले लो 1 2 2 -1, इसका इनवर्स निकालना है। तो यहां से देखो क्या होगा, गिवन मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू क्या है 1 2 2 -1, तो वी राइट मैट्रिक्स ए एज। तो यहां से क्या होगा हमारा, ए इक्वल टू आई टू इंटू ए लिखते हैं, ये इसकी वैल्यू रख दो, आई टू 1 0 0 1 इंटू ए होती है हमारी, ठीक है। अब देखो यहां पे तो 1 है, इस एलिमेंट 2 को 0 करना रहता है, इसको इसके फॉर्म में लाना रहता है, इसके फॉर्म में। तो ये 2 है, तो जैसे हम लोग प्रीवियस किए थे, 2 किस रो में है, सेकंड रो में है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां देखो 2 -2 × 1 -2 × 2 हो जाती है, ये 1 0 0 - 2 × 1 1 - 2 × 0 × a हो जाएंगे। तो ये 1 0 2 - 5 = 1 - 2 0 1 × a हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो वहां पे आ गया था वो -5 को हमको 0 करना था, ये इस तरह का फॉर्म था हमारा 1 2 0 - 5 = 1 - 2 0 1 × a हो गया। तो इसको 1 करना है, तो इसको ये जब सिंगल एलिमेंट होता है तो ये इसको सिर्फ डिवाइड के ही थ्रू कर सकते हैं। तो कितना से डिवाइड करेंगे, अगर इसको हम लोग -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 1 होगा। तो देखो ये हो जाएगा 1 2 0 1 = 1 2/5 0 - 1/5 × a हो जाएगी। अब ये 1 0 0 1 हुआ तो इसको 0 करना रहता है, तो इसको 0 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहां से अप्लाई करते हैं। तो ये टू किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो R1 माइनस टू आर टू हो जाएगा। तो देखो वन वन माइनस टू इंटू जीरो, टू माइनस टू इंटू वन, जीरो वन, और ये हो जाएगा वन माइनस टू इंटू टू बाई फाइव, जीरो माइनस टू इंटू माइनस वन बाई फाइव, टू बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव इंटू ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वन जीरो जीरो वन इक्वल टू वन बाई फाइव, टू बाई फाइव हो जाएंगे, फोर बाई फाइव हो जाएंगे, माइनस वन बाई फाइव इंटू ए। विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ आई इक्वल टू बी ए। तो बाय डेफिनेशन बी हमारा इनवर्स होता है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, वन बाई फाइव, टू बाई फाइव, फोर बाई फाइव, माइनस वन बाई फाइव। कुछ प्रैक्टिस और हम लोग करेंगे कल इसका, ठीक है। आज ये क्वेश्चन को तुम लोग कॉपी पे बनाओ, कॉपी पे बना के इसको सॉल्व करो।